बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन बताए थे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन सेम है। यदि कोई समझने में दिक्कत है तो सीधा जो है 9 बजे से 1 बजे के बीच में फ़ोन करके सीधे बताइए सर क्या जो प्रॉब्लम हो कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। चलिए आज बताते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बताए थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? देखिए, अधिकतम संख्या जब दी हो, अधिकतम का मतलब मासा, अधिकतम का मतलब होता है मासा निकालना है, और कम से कम जिस क्वेश्चन में लिखा हो उसमें लासा निकालना होता है। कम से कम का मतलब लासा और अधिक अधिक से अधिक या अधिकतम का मतलब मासा। इसमें 616 सदस्य हैं, 616, तो एक संख्या 616 हो गई, और दूसरा है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी दूसरी संख्या हमारी 32 हो गई। मासा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे बराबर, सबसे बड़ी संख्या को उससे थोड़ा छोटी संख्या से भाग कराएं, यानी 32 से 32 का पहाड़ा 61 में जाएगा, एक बार जाएगा, क्या जाएगा इससे पहले यहाँ लाए 11 में 2 गए 9, 11 में 2 गए 9, 5 में 3 गए 2, और इसके बाद फिर जो है 6 उतारते हैं। आप देखिए कितनी बार जाएगा, शायद 8 बार जाएगा, 8 × 16 = 6 + 8 = 24 = 25, फिर घटा दें 0 आया 4 आया। अभी ये 9 बार जा सकता था, क्योंकि शेषफल जो बच रहा है, शेषफल वो हमारा 25 से ज़्यादा बच रहा है, इसका मतलब ये 9 बार जाएगा। 9 बार ले जा देखिए क्या आ जाएगा, 9 से 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आया 1, 9 तिरका 27, 1 क्या आया 28, इससे लाया कहेगी यहाँ 16 16 में 8 गए 8 बजे, बाकी ये कुछ नहीं, शेष 8 आया। क्या किया, 616 इधर लिखा, किनारे किनारे का घुरा, यानी 32 × 19, शेष फल कितना बचा 8। फिर इस 8 से पलट देंगे, आप 32 को इधर लाएंगे, 8 का भाग 32 में 4 बार जाएगा, घटा देंगे 0 0 आ गया। अब इधर क्या लिखेंगे, 32 और 8 4 का गुणा इधर कराएंगे, 8 × 4 प्लस शेष फल 0। किससे भाग देने पर, 8 से भाग देने पे शेष फल 0 आया, तो यही हमारा HCF होगा, HCF बराबर 8। और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर क्या होगी 8। बस ये आपका आंसर हो गया, ऐसे करना था। इसके बाद बाकी सब इसी तरह के क्वेश्चन हैं, हर तरीके का मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, जो क्वेश्चन ना आए वो ग्रुप पे जो है या सीधे कॉल करके हमको बता दें। देखिए, जो क्वेश्चन समझ में आपकी ना आए, मेरे पास ये नंबर रहता है 9 बजे से 1 बजे के बीच 9 बजे से 1 बजे के बीच इस नंबर पे कॉल करके क्वेश्चन नंबर बताएं। इस नंबर पे कॉल करके सीधे बता दें
फोन करके कि सर इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है 9 बजे से 1 बजे के बीच। आई बात बच्चों समझ में? और जैसे अब हम हट गए हैं, आपको जो है नोट करना है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेके जो है नोट कर सकते हैं, या फिर इतने में आप वीडियो रोक दें और नोट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलते हैं अगली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज खोलते हैं, आता है इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या क्या है? एक्सरसाइज 1B, ये आपको ट्राई करके आना है पूरी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 140, इसके जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या होगा? 140 बराबर क्या होगा? देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 से करते ये आएगा, फिर 2 से करते फिर जो है इसको 5 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा, 7 से भाग करेंगे ये आएगा, क्या आएगा? 2 × 2 × 5 × 7, यानी क्या आ गया? 2 × 2 × 5 × 7, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था, बस इसमें इतना ही करना है। इसी तरीके से आप अन्य पार्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड नोट करना है तो बस वीडियो रोक दीजिए इसी जगह और उसके बाद नोट कर लीजिए। दिखाई न दे रहा हो अच्छे से तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, ऑप्शन होता है फोन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इनकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएफ। ये इसका भी मैं क्वेश्चन एक ही बताऊंगा क्योंकि सारे एक जैसे हैं। 26 और 91 दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद आपको जो है वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। आ जाइए 26 सब में बड़ी संख्या कौन सी है? 91। तो 91 को भाग करेंगे जिससे 91 को भाग करेंगे हम छोटी संख्या कौन सी है? 26 से। तो 26 का पहाड़ा 91 में कितनी बार जाएगा? 3 बार शायद जाएगा। किशन का पहाड़ा के 8 हासिल आया है, 1 × 3 = 6 = 7 × 11 = 8 = 3 × 8 = 7 = 1। पलट देंगे 26 और ये जाएगा 2 बार, शेषफल 0 आ गया। 91 इधर लिखा 26 3 का गुणा करके 26 3 का इधर गुणा किया, शेष बचा था पहली बार 13, दूसरी बार इधर 26 आएगा बराबर में 13 और 2 का गुणा होगा, शेष पर नीचे 0 आया। तो एचसीएफ क्या आ गया? 13 से भाग देने पे 0 आया, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका प्राइम फैक्टर करते कहते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर 26 के प्राइम फैक्टर 2 से काटेंगे, 1 जा 3 जा, फिर 13 से काटेंगे, ये क्या आया? 2 × 13। इसी तरीके से 91 के प्राइम फैक्टर आप कैसे करेंगे? 91 7 से कटेगा 13 टाइम, फिर 13 से कटेगा 1 टाइम, क्या आएगा? 7 × 13। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? देखिए जो एलसीएम में जो कॉमन हो उसकी बड़ी भाग, तो इसमें 13 कॉमन है लेकिन 13 दोनों
पहले वाले में 13 की घात 1 है, दूसरे में भी 13 की घात 1 है, वैसे जो कॉमन होता है उसकी बड़ी घात लिखी जाती है, लेकिन यहाँ घात बराबर है इसलिए 13 लिखने की। जो कॉमन ना हो एलसीएम में उसको भी लिखा जाता है, यानी 2 भी लिखेंगे और 7 कॉमन नहीं है इसलिए 7 को भी लिखेंगे। अब तीनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे क्या होगा, 13 सते 91, 13 सते 91 गुणित 2 से गुणा कराएं, 2 1 2 182 आ गया। अब आपका एलसीएम आ गया और एलसीएम आ गया। नोट करना हो तो वीडियो यही पे रोक के नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, दिखाई ना दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, फोन में ऑप्शन होता है। इसके आगे का बच्चों आगे करते हैं रफ करके। देखिए आप क्या करेंगे, सिद्ध पहली संख्या दोनों इसमें दिया है, संख्याओं का गुणनफल सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91। अब आप गुणा कराए 26 91, चलिए इधर करा लेते हैं, 91 गुणित 26, 6 कन्नम 6 और 6 नहीं 54, 2 से करेंगे 2 2 9 18, 6 आया 6 आया, 8 5 13 3 8 2 23 66 23 66, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम और एचसीएम इन दोनों का गुणा क्या होगा, एलसीएम 182 आया, एचसीएम आपका आया है 13। अब 13 से गुणा कराएंगे इसको क्या आएगा, 13 गुणा 26 के 6 हासिल आए 2, 13 गुणा 26 के 6 हासिल आए 2 और 13 13 101 13 104 13 104, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जोड़ के 106 बनेगा, 106 का क्या आएगा 6 और कैरी क्या आएगा 10, 13 में 10 प्लस करेंगे कितना आएगा 23। अब देखिए बराबर आ गया तो क्या आ गया, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम, और बराबर आया कितना है साल करके एलसीएम एचसीएम दोनों 23। ये देखिए 23 66 ये भी आया, 23 66 ये भी आया, तो बराबर में लिख देंगे 23 66 हेंस टू हेंस टू। ऐसे बच्चों करना है, देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, जब दो संख्याएं दी हों और सिद्ध करना हो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम, तो सबसे पहले दोनों का मैंने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालना आपको मैं 2 दिन से सिखा रहा हूँ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकाला ये 13 आया, फिर एलसीएम निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टर 26 के किए थे और 91 के प्राइम फैक्टर किए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन हो उसकी बड़ी घात, जो ना कॉमन हो वही लिखा जाता है। तीनों का 13 7 का गुणा कराया 91, ये 2 आया, दोनों का गुणा कराया 182। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं क्या थी हमारी 2 संख्याएं थी 26 और 91, 26 और 91 का गुणा कराया 23 66 आया। फिर इसके बाद क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराया, एलसीएफ कितना है हमारा 182, एचसीएफ है 13, दोनों का गुणा कराया वो भी 23 66 आया, वो भी 23 66 आया। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर 23 66, इस तरीके से ये
सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ बयानी इति सिद्धम। इस तरीके से बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आप करके लाएंगे। जो क्वेश्चन ना आए आप सीधे फ़ोन करके 9 बजे के बाद बता दिया करें, हम 9:20 तक क्लास चालू करते हैं, आप 9:20 तक बता दें कि सर इतने क्वेश्चन बताने हैं और मैं वो जो है बता दूंगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। और ख़ास बात आज कैफ सर ने बोला है कि टेंथ और इंटर के सभी बच्चों से बोल दें कि बोर्ड एग्जाम के फॉर्म आ गए हैं, वो भरे जाने हैं। तो यदि फीस व्यवस्था किसी की नहीं हो पा रही तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा शुल्क 650 रुपया और इंटर की बोर्ड परीक्षा शुल्क 750 रुपया है, याद कर लीजिए बच्चों। हो सकता आप के और साथी जो नहीं ग्रुप पे शामिल हैं और ना सुन रहे हों, जिन तक खबर ना पहुंच रही हो, तो आप उन्हें बता दें, सभी साथियों को बता दें कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा शुल्क 650 रुपया 20 तारीख तक हर हाल में जमा करा दें। और इंटर वाले भैया लोगों से बोल दें कि जो है 750 रुपया बोर्ड परीक्षा शुल्क जो है 20 तारीख तक अवश्य जमा करा दें। फिर बच्चों कल मिलते हैं।